खाली में एक ऐसे सुपर हीरो की मूवी रिलीज हुई है जो अपनी आइडेंटिटी खुद ब खुद अपनी फैमिली के सामने रिवील कर देता है। I mean, उसे करना नहीं पड़ती लेकिन वो अपने आप उसके फैमिली के सामने रिवील हो जाती है। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे सुपर हीरोज है जिन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिटी लोगों के सामने बिल्कुल भी रिवील नहीं किया। जैसे कि स्पाइडरमैन ले लो, सुपरमैन ले लो, बैटमैन ले लो या फिर अपना खुद का शक्तिमान भी ले लो, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी अभी भी किसी के सामने रिवील की नहीं है। हालांकि अपने फैमिली के सामने भी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। आई मीन उनके फैमिली को भी नहीं पता कि अपना ही लौंडा स्पाइडरमैन है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कई सारे ऐसे सुपर हीरोज है जिन्होंने खुद ब खुद मीडिया के सामने आके अपनी आइडेंटिटी रिवील की है, जैसे कि आयरन मैन ले लो या फिर एंट मैन ले लो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये सुपर हीरो तो अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं करते? तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वेद और आप देख रहे हो वाइल्ड वाइन SZTV। तो इमेजिन करो कि तुम एक सुपर हीरो और तुमने अपनी खुद की आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील कर दी है। तो इसमें सबसे पहला एक इसका बड़ा डिसएडवांटेजेस होगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली के ऊपर काफी बड़े अटैक्स होना चालू हो जाएगा। उनकी जान को काफी ज्यादा हानि पहुंच सकती है, उनकी जान काफी दफा खतरों में पड़ सकती है, क्योंकि एज अ सुपर हीरो तुम नोन या फिर अननोन कई सारे दुश्मन बना लेते हो। लेकिन वही पे टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद ब खुद हजारों मीडिया के सामने आके खुद ब खुद बोलता है आई एम आयरन मैन। तो वो ऐसा क्यों करता है? तो सबसे पहले देखो कि टोनी स्टार्क एक मल्टी बिलियनरी इंसान है और वो किसी भी तरह का प्रोटेक्शन वो खरीद सकता है। इसके ऊपर से वो एक काफी बड़ा जीनियस भी कैरेक्टर है। वो लोगों के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करने के बाद भी उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को काफी एक बड़ा प्रोटेक्शन दे सके, जिनको उनकी जिंदगी को कोई टच भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ऐसे आइडेंटिटी रिवील करने के बाद उसको गवर्नमेंट थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत है, उसके पास इतनी जीनियसता है, उसके पास इसका इतना पैसा है कि वो मिलिट्री को भी कुछ हथियार दे के गवर्नमेंट को अपनी तरफ कर सकता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि बैटमैन भी तो मल्टी बिलियनर है, तो बैटमैन सभी के सामने आके अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं करता? तो देखो, बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका काम काफी दफा डर के नाम पे चलता है। बैटमैन के कैरेक्टर के पास एक अपनी एक मिस्ट्री है जिसके चलते गोथम के जो बैड पीपल से उनके बारे में बैटमैन को लेके एक डर बैठा हुआ था। उनको लगता है कि बैटमैन के पास कोई मैजिकल पावर है। बैटमैन ही एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है जिसके चलते वो क्राइम से पहले ही क्राइम के जगह पे पहुंच जाता है, जिसके चलते अगर बैटमैन ने ये रिवील कर दिया कि वही ब्रूस वेन है तो उसका पूरा का पूरा काम खत्म हो सकता है, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्री है, उसका जो डर है, वो लोगों के मन से खत्म हो सकता है, जिसके चलते गॉथम में सिर्फ केओस ही केओस हो सकता है, जिसके चलते बैटमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। लेकिन एज ऑन अदर हैंड अगर तुम टोनी स्टार्क हो, तुम्हारे पास इतनी सारी संपत्ति है, इतनी सारा तुम्हारे पास जीनियस है, तो तुम लोगों के सामने आके अपना दिखाना तो बनता ही है। मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ। वहीं पे ऑन द अदर हैंड स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी आइडेंटिटी अगर लोगों के सामने रिवील हो गई तो कितने बड़े कांड हो सकते हैं, हमने नो वे होम में देखा ही है। तो बेसिकली स्पाइडरमैन ही अपना काफी ज्यादा गरीब है, बस भाई बस, जिसके चलते अगर उसने अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील कर दी तो उसके कई सारे दुश्मन हैं जो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और उनको सिक्योर करने के लिए स्पाइडरमैन कौन सी भी सिक्योरिटी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और उसके ऊपर से अगर तुमने स्पाइडरमैन की अगर सिनेमैटिक हिस्ट्री फॉलो की है, तुम्हें यह बात तो पता ही चली होगी कि स्पाइडरमैन की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री उसके सीक्रेट आइडेंटिटी के आसपास ही घूमती है। क्योंकि जब ग्रीन गॉब्लिन को पता चला कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तभी उसने आंट मे और मेरी जेन के ऊपर अटैक किया था। और ऊपर से अपना स्पाइडरमैन काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, और जैसे कि मैंने बोला कि वो काफी ज्यादा गरीब है, जिसके चलते उसे डे टू डे लाइफ उसकी चीजों से काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि उसको स्कूल के जाने के लिए ट्रेन से ही उसे जाना पड़ता है और उसके दुकान से राशन भी लाना पड़ता है, जिसके चलते अगर उसने आइडेंटिटी रिवील की तो कितने बड़े लफड़े हो सकते हैं, ये हमने नो वे होम में जाना है। जिसके चलते स्पाइडरमैन की इंपॉर्टेंस यही है कि वो अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखे। तो ओवरऑल इन्हीं दो तीन कैरेक्टर्स के बीच में से हम समझ सकते हैं कि अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील करना कितना बड़ा एक धोखा हो सकता है। और इसके कई सारे पॉइंट्स हैं जिनमें सबसे पहला है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि अगर तुम्हारा कैरेक्टर आयरन मैन जैसा है तो तुम पूरे मीडिया के सामने दिल खोल के ये बात बता सकते हो कि
आयरन मैन, लेकिन अगर वही पे अगर तुम्हारा कैरेक्टर बैटमैन जैसा है तो तुम चाहकर भी लोगों के सामने ये बात रिवील नहीं कर सकते कि हाँ ब्रूस वेन ही बैटमैन है, जिसके चलते तुम्हारा लोगों के सामने से डर कम होगा और पूरा का पूरा क्योस मचा सकता है। वही पे सेकंड पॉइंट ये आता है कि अपने क्लोज वंस की सिक्योरिटी, क्योंकि अगर सुपर हीरो के नाते तुम्हारे कई सारे दुश्मन होते हैं और ये बात टोटली तुम पे डिपेंड करती है कि तुम अपनी फैमिली को कितनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, उसके ऊपर ही तुम आइडेंटिटी रिवील करना या फिर ना करना ये कर सकते हो, क्योंकि जिसके चलते सुपरमैन भी अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील नहीं करता। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि तुम अब डे टू डे लाइफ ही एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि सुपर हीरो होने के बाद तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो और अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील कर दी तो तुम्हारी डे टू डे लाइफ काफी ज्यादा इन चीजों से इंपैक्ट हो सकती है। और फोर्थ वन हो सकता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि स्पाइडरमैन का चेहरा जब ढका हुआ होता है तो उसके अंदर कौन हो सकता है ये आपको नहीं पता, क्योंकि इसमें पीटर भी हो सकता है या फिर माइल्स मोरालिस भी उसका चेहरा लेके आ सकता है। और इसी एक एग्जांपल हमने टीचाला के भी देखा था, क्योंकि ब्लैक पैंथर में हम टीचाला को भी ब्लैक पैंथर बना हुआ देख सकते हैं, वहीं पर शुरू भी ब्लैक पैंथर बन सकती है, तो एक मेजर रोल प्ले हो सकता है। तो ओवरऑल हम इस बात से जान लगते हैं कि सुपर हीरो बन के अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करना या फिर करना ये टोटली तुम पे ऊपर डिपेंड करता है। वेल, अगर तुम सुपर हीरो होते तो क्या तुम अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील करते, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और इन्हीं सारे बातों के साथ हम इस वीडियो का वीआई पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मास्क इन सारी चीजों से अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीजें याद आ रही हो तो अभी भी वक्त है, सजा जाओ। तो इसके साथ साथ ही मुझे पता है कि काफी दिन हो गए वाइल्ड न्यूज का हमारा एपिसोड नहीं आया है, वो जल्द से जल्द ही आएगा। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि एक्चुअल में बिग बॉस क्या है और फुकरा इंसान और एलविश यादव ने कैसी एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।